अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दो मुस्लिम लीग बताते हुए उनकी व्याख्या की और जिन्ना को जिन्ना साहब कहकर संबोधित किया। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह उसामा को उसामा जी और जाकिर नाइक को शांति दूत बता चुके हैं। छतरपुर जिले के बिजावर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमेरिका में राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को सेकुलर बताए जाने वाले बयान पर बयान देते हुए कहा कि सेकुलर मुस्लिम लीग अलग है और जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग अलग है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं जिन्ना साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह राष्ट्रपति रहे हैं। वो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, ये मुस्लिम लीग जिन्ना वालों में शामिल नहीं है। जिस मुस्लिम लीग का राहुल गांधी ने उदाहरण दिया है वो केरला की है और उस मुस्लिम लीग में हिंदू भी शामिल है। एक बात मैं जानता हूँ कि इंडियन मुस्लिम लीग अलग है और जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग अलग है। जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब इसलिए कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति रहे हैं और जिनका सम्मान लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किया था और उनको स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने एक सेक्युलर मुस्लिम लीडर के रूप में नाम लिया था। वो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, ये इंडियन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।